और जो समय है वो हो चुका है 8:15, तो अभी चलते हैं ऊपर छत का नजारा देखते हैं कि छत पे कैसी बाई आ रही है, अच्छा है मौसम की नहीं है। सुबह सुबह की धूप भी अच्छी होती है तो अभी ले लेते हैं। आज आपका भाई जाने वाला है दिल्ली। दिल्ली गए तो चालान कटा, ठीक है, पुलिस वाले भैया मिल गए तो वो 100-200-500 रुपए का चालान तो पक्का है। मंदिर में जाओगे तो घंटे बजाओगे, सेम दिल्ली में जाओगे तो 100-200 रुपए का चालान तो हो ही जाएगा। अब ये मत पूछना कि क्यों हो जाएगा, आप मेरे साथ कनेक्ट रहोगे तो कनेक्ट बने रहो, आपका भाई आपको मजे दिलाता रहेगा और आपकी जिम्मेदारी है आप भाई को मजे दिलाते रहना, है ना। तो अभी चलता है आपका भाई नीचे दूध लेने, दूध लेके आऊंगा, दूध करूंगा गरम, गरम करके दूध पियूंगा, उसमें चीनी वीनी डाल दूंगा कुछ, थोड़ा सा तो मीठा हो जाएगा तो पेट को जाएगा, तो घंटे दो घंटे के लिए तो भूख रुक ही जाएगी। तब तक पहुंच जाऊंगा दीदी के यहाँ, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा खाने के लिए, तो वहाँ पे खा लेंगे जाकर। ये है जहाँ पे मैं रहता हूँ, भाई हो गया यहाँ पे रेडी, नहीं दीदी के पास नहीं, तो पहले नीचे मटकों के पास मटकों उठाते हैं, मटकों लेकर के मेट्रो पे कहीं खड़ी कर दूंगा पार्किंग में, क्योंकि वापस शाम को ही आना है, तो वापस आते समय मटकों ले लूंगा सो दैट मुझे ऑटो का इस्तेमाल ना करना पड़े, मेट्रो ही मेट्रो का मुझे यूज करना पड़े। तो लेट्स गो। मास्क ले लिया जो कि बहुत जरूरी है मास्क, मैं भी आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप भी जब भी कभी भी बाहर जाएं तो मास्क लगा करके ही जाएं। अभी आ गया मैं ATM, क्योंकि मुझे कुछ कैश निकालना था, तो ये रहा पीछे, मिशन डन। तो अभी हो गया प्लान चेंज, तो मैंने मेट्रो की पार्किंग में बाइक ना खड़ी करके, मुझे फोन आ गया मेरे पास, जब भी मैं निकल ही रहता बाइक उठा ली मैंने, मेट्रो पार्किंग में खड़ी कर देता फिर मैं निकल जाता, तो ये बोलता है कि मैं तो दिल्ली जा ही रहा हूँ तो तू मेरे साथ ही चल रहे। मैंने कहा भाई इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, तो मैं आया, मैंने इसके यहाँ पे अपने नीचे बाइक पार्क कर दी, तो मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ पे नीचे पार्किंग में खड़ी कर दी है, अब यही यहाँ से मुझे ड्रॉप कर देगा मेट्रो, और मैं शाम को जब आऊँगा तो ये मुझे लेने आ जाएगा, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। दिखा भैया एलन गाड़ी की हालत, गाड़ी कहाँ खड़ी है अपनी, इस एंगल में नहीं दिखेगा किस एंगल से देखेगा, ड्राइवर साइड से ये गाड़ी है भाई साहब, और ये गाड़ी पता नहीं कहाँ से आई है, हमें नहीं पता कहाँ से आई है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लद्दाख से आई है। ये देखो ये लंका लगी इसकी, ऐसा लग रहा है कि हमने वो करवाया इस पे, कुछ पेंट वेंट करवा रखा है हमने। दोस्त कैसे लिए मना आता है इंसान के, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो टाइम पे काम में आ जाए, टाइम के बाद आता हूं, टाइम के बाद जो जैसे कि अपने जो पुलिस वाले चाचा करते हैं ना, कांड हो गया बाद में आना, तो वही कांड हो गया वैसे ही बाद में आते। तो कल एक हमारे दोस्त का बर्थडे था, तो उसमें गए थे मजे करने के लिए, तो पहले ने वहाँ पे तुमने क्या कारनामे करे, वो कारनामे जरा बताओ। मैं ओयो का गमला उड़ा दिया मैंने, ओयो का पंखा उड़ा दिया, गमला का मतलब कैसा गमला उड़ा दिया, इन्होंने फिर रात को करा एक ओयो होटल बुक, उसमें गाड़ी पार्क कर रहा था, तो भाई साहब टल थे एकदम बढ़िया तरीके से, तो गाड़ी इस तरीके से पार्क की कि गाड़ी की भी लंका लगवा ली आगे जो मैंने अभी दिखाया आपको, और पीछे जो पार्किंग में ओयो वाले के जो गमले वगैरह रखे थे उसने अपनी अच्छी सी एक गार्डन बनाया था, पार्किंग एरिया बनाया था बढ़िया पूरा वो भी पूरा काट दिया भाई साहब ने, तो तेरे पास आगे कौन बैठा था, अरे आगे कौन बैठा, अबे सब गाड़ी सुधर गई इतने में, अरे पता है क्या हुआ, हम लोकेशन देखे हैं जो CNG गाड़ी है,
गाड़ी पे, वो सब भाई साहब की कृपा है जो रात को इन्होंने ठोकी है ना गाड़ी। ये देखो ये अंदर तक है, शीशे से अंदर तक आई है भाई साहब। मेरे मुंह तक आई एलन कह रहा है कि गाड़ी से ही चलते हैं दीदी के पास। मैं कह रहा हूँ कि मेट्रो से चलते हैं। अगर गाड़ी से ही चलेंगे तो दीदी के पास मैं बैठ नहीं पाऊंगा, उनसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा, जो सामान है वही लेके मुझे वापस आना पड़ेगा। तो देखते हैं, लेट्स सी कि आगे का क्या प्लान होता है। जो भी प्लान होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो बैठे बैठे बहुत देर हो गई, लग रही है भूख, तो सोचा कुछ खा लेते हैं। तो हमने क्या ऑर्डर किया एलन? सिंगापुरी नूडल। हमने ऑर्डर किया है सिंगापुरी नूडल। कैसा बना था? मजा ही आ गया, बन गया है कि गाड़ी धुल जाएगी। आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम, और अभी घड़ी के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे पौने दो घंटे हो रखे हैं, लेकिन अभी तक हमारी गाड़ी धुल करके वापस नहीं आई है। सो देख, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाए। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ से हम जा रहे हैं रूम वापस गाड़ी धुलने के बाद? कैंसिल तो मामला हो ही नहीं सकता भाई, लंका लगा दूंगा मीटिंग। तो फाइनली अपनी गाड़ी हुई रेडी, अब चलते हैं। धुल तो गई है बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत टाइम लगा दिया धुलने में उन्होंने, कम से कम पूरा डेढ़ घंटा ले लिया इसको धुलने में। इतने भरा जा रहा है अपना गैस गाड़ी में। एक दिल्ली का कोना है, हमें दिल्ली है और हमें जाना नॉर्थ दिल्ली। हाँ राइट साहब, डेढ़ घंटा ऐसा लगाया भाई साहब, ऐसा डेढ़ घंटा। मुझसे पता क्या कह रहा था ये, कब हो जाएगा एलन? क्या बोला था तूने? 15 मिनट में। 15 मिनट में काम डन हो जाएगा भाई साहब? 2 घंटा 15 मिनट। पूरा घड़ी से डेढ़ घंटा लगाया, यानी कि ऑफ टू दीदी के घर। फाइनली मैं आ गया हूँ दीदी के घर। जो पेड़ है नहीं, पौधे। अच्छा, ये पौधे जो बाहर लगे हुए हैं, उन पौधों को 1 साल हो गया, तब 1 साल में इतने बड़े हो पाए। 1 साल बाद खिले थे, चारों पत्ते खिले। दीदी पीछे कुछ बना रही है, जो पैक कर रही है, जो लेके आई थी वो पैक कर देगी, उसको लेकर के फिर मैं निकलता हूँ। बाय बाय। तो राम राम भाई लोग, आपका भाई आ गया वापस घर। तो मेरी वीडियो एंजॉय किया होगा और आपने भी हमारे साथ खूब मजा किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड शेयर कर दो वीडियो को, और अगर पॉसिबल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।